देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 4 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 13,254 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,27,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े यहां से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 15,413 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं देश भर में, और 24 घंटे में 306 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 4 लाख के पार जो संक्रमितों की संख्या है वो देश भर में पहुंच चुकी है। 4,10,461 लोग संक्रमित हैं और 13,254 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,27,756 अभी तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 15,413 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अधिक अपडेट के लिए प्रीत किरण हमारी संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए पिछले 24 घंटे में इतना बड़ा आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है, बहुत चिंता का विषय तो देखिए ये है ही। हालांकि लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान देखिए कोरोना काल क्योंकि ये है और आज योग दिवस भी है तो किसी प्रकार का सामूहिक कोई आयोजन तो हुआ नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों में बढ़ोतरी अब हो रही है, क्या नई अपडेट आपको मिल पा रही है? किस प्रकार से इलाज की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है? जी बिल्कुल, लगभग 24 घंटे में 306 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। अगर केवल दिल्ली की बात करें तो 212 मरीजों की डेथ हुई है। ऐसे में ये बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है ग्राफ। दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों ही जगह पर जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपने बात की, एकजुट नहीं हुए लोग एक जगह पे, लेकिन लोगों ने अपने घरों में और घर के आसपास जो पार्क है वहां पर योग करते हुए जरूर नजर आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ये दिवस है, ये एकजुटता का है, अब विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर आया है ये योग दिवस इस बार, और ऐसे में हमें भावनात्मक रूप से अपने आप को सफल बनाना है। पारिवारिक संबंध बढ़ाने वाला दिन है, परिवार के साथ मिलकर सबने योग किया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने एक श्वास प्रणाली को दुरुस्त करने की बात की, उन्होंने कहा कि श्वास रोग से ही कहीं ना कहीं कोविड-19 जुड़ा हुआ है, कोरोना जुड़ा हुआ है। ऐसे में सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें ऐसा योग करना चाहिए ताकि श्वास प्रणाली जो है वो दुरुस्त हो सके, तो उससे कहीं ना कहीं इजाफा होगा। और आपने एक बात ये कही कि किस तरीके से ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी जो है अब दिल्ली में कहीं ना कहीं आम हो गई है। जो भी क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन, जब उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, सांस लेने में तकलीफ हुई, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी राहत महसूस कर रहे हैं वो। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के कि जल्द ही सतीन जैन स्वस्थ होकर वापस अपने काम पर लौट आएंगे। कहीं ना कहीं उनका प्लाज्मा थेरेपी से जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ वो काफी कारगर साबित हुआ। दिल्ली में इस तरीके से काफी केसेस जो है वो अब कहीं ना कहीं रिकवर हुए हैं। जी बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए एक और गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया था कि अब जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई कि अगर कोरोना का मरीज कोई सामने भी आता है तो घर पर ही रहकर, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं तो ऐसे में घर पर वो जितना रहेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ेगा और साथ ही हॉस्पिटल्स में जो लगातार बढ़ती हुई भीड़ है उससे भी बचा जाएगा। बिल्कुल, घर पे रहकर क्वारंटाइन करने की बात की थी, हालांकि दिल्ली सरकार से अलग दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनकी तरफ से परसों एक बयान आया कि जो भी दिन में भी संक्रमण के थोड़े बहुत लक्षण मिल रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत है, तो उनको अस्पताल में 5 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, उसके बाद घर पर वो क्वारंटाइन रहे। लेकिन बाद में इस फैसले को बदल दिया गया, दिल्ली सरकार ने सब लोगों से उसके बाद इस पे राय ली और इसमें कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि घर पर ही रहे लोग, क्योंकि ऐसे में लोग जांच कराने के लिए नहीं पहुंचेंगे और
आंकड़े कहीं ना कहीं कम जरूर होंगे, लेकिन दिल्ली में ये संक्रमण फैल जाएगा। लोग घरों में ही क्वारंटाइन रहना चाहते हैं, अस्पताल जाकर क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में अब फिर से ये नियम जो है दिल्ली में लागू कर दिया गया है कि जो क्वारंटाइन है जिनमें संक्रमण कम दिखाई दे रहे हैं, क्रिटिकल केसेस नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने से बेहतर घर पर ही रहे। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।